गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले KTM BS6 ड्यूक के बारे में, जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ जितना मुझे पता है। तो गाइज हम बात कर रहे हैं BS6 ड्यूक के बारे में। तो गाइज कल देखने आते तो पहले लुक BS4 के इक्वल, मगर हम देखने जाते तो काफ़ी मस्त है इसका और बहुत ही कूल है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी अच्छा ही लगता होगा आप लोग को भी वैसे। तो इसमें जो कलर है इसका, पहले तो एक ही कलर है इसमें, ये ना और एक कलर है ब्लैक व्हाइट और ये है ऑरेंज, तो मुझे ये बेहतर लगा। तो गाइज हम बात करने वाले इसकी प्राइस के बारे में। जो एक्स शोरूम प्राइस है इसका 1,81,600, और अगर ऑन रोड हम लेने जाते तो गुजरात के हिसाब से अगर हम देखना जाए तो ये 2,03,000 समथिंग पड़ता है। अगर गुजरात में, हर स्टेट का अलग अलग होता है, आपका स्टेट का मुझे पता नहीं, बट गुजरात में ये प्राइस है जो मैंने बाई किया है। फिर देखने जाए तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना 200 cc का अगर कोई अदर कंपनी का अगर हम देखते हैं तो इतना कोई प्राइस नहीं होगा, जैसे बजाज है TVS के कंपेयर में अगर इतना सा प्राइस नहीं होगा 200 cc का। बट फिर भी KTM नाम ही इसका ऐसा है जो लोग बाय करने ही वाले इसको। तो गाइस अब हम बात करने वाले इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, जो कि इसके अंदर डबल चैन है और ABS सिस्टम है, और इसका ब्रेकिंग सिस्टम इतना मस्त है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग सबसे बेस्ट है। अगर हम 200 cc के अगर कंपेयर करने जाते हैं TVS, बजाज और बहुत सारी अदर कंपनी है, बट इसके ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम मैंने किसी और गाड़ी में नहीं देखा, क्योंकि आप एक बार ट्राई करोगे आपको ही पता चलेगा कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम तो कंट्रोलिंग जो यंगस्टर लड़कों को जो काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसका सबसे बेस्ट है ड्यूक का ही है KTM के बाहर। गाइज आप लोग को KTM का सबसे बेस्ट एडवांटेज पॉइंट है कि इसका BHP सबसे ज़्यादा BHP अगर 200 cc में अगर हम देखने जाते तो KTM का ही है। अगर ये ड्यूक का देखने जाते तो 24.6 BHP है समथिंग, और RC का कुछ अलग है, बट दोनों गाड़ी का अलग अलग है, बट 200 cc में अगर कोई और गाड़ी का हम देखने जाते तो नहीं है। और हम इसके आप साउंड सुनाता हूँ माता, BS4 के कन्वर्ट में अगर हम देखने जाते तो इसका साउंड चेंज कर दिया है। जो BS4 का जो साउंड था वो KTM का जो नाम से ही जाना जाता था साउंड, बट इसका साउंड अभी जितने ही लेटेस्ट मॉडल है सबके ही साउंड चेंज कर दिया है। तो गाइज अब हम बात करने वाले इसकी टॉप स्पीड के बारे में, तो आपको मैं दिखाता हूँ इसकी टॉप स्पीड कितनी है। कहीं पे भी अगर गाड़ी पे आप ट्रिप पे जाते हो या स्पीड चेक कर रहे हो या कुछ भी करो तो हेलमेट कैरी कर लेना चाहिए, कि अपनी सेफ्टी है। टॉप स्पीड चेक करने जा रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा रोड कहीं नहीं है जाके मैं इसकी टॉप स्पीड आपको बता सकूँ। तो मैं अगर यहाँ पास में एक ब्रिज है जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो वहाँ पे अगर टॉप स्पीड इसकी आ सकती है तो मैं वहाँ पे ट्राई करता हूँ कितनी टॉप स्पीड आ सकती है इसकी। गाइज बट मैंने बहुत ट्राई की कि इसकी टॉप स्पीड के बारे में आपको बता सकूं, बट यहाँ पे ट्रैफिक का इश्यू था और मैं इतनी स्पीड पे नहीं चला सकता था कि मैं आपको बता सकूं, बट नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इसकी टॉप स्पीड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अभी फिर भी 120 किलोमीटर स्पीड तो आ चुकी है, फिर भी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पूरी प्रॉपर स्पीड इसकी बताऊँगा। गाइज जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ नेक्स्ट व्लॉग में किसको पर बनाओ वो मुझे कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करना और प्लीज़ शेयर करना मत भूलना।